Hey guys, I'm back again with the new topic, and today's topic is what's the function of parts of speech. So वैसे तो ये बहुत basic chapter है और आपके basic के लिए बहुत ज़रूरी भी है, but trust me guys, जैसे जैसे आप advanced grammar पढ़ोगे ये chapter आपको हर एक chapter में helpful रहेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आज सिर्फ आप इस लेक्चर के थ्रू इन सारे शब्दों का, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनका फंक्शन समझ लो कि इन इंडिविजुअली एक शब्द का अपने आप में क्या काम है किसी सेंटेंस में, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई सेंटेंस है और अगर मैं कोई टेक्निकल टर्म यूज़ करता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि ये नाउन है तो आपके दिमाग में उसका फंक्शन आना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ कोई एडवर्ब है तो आपके दिमाग में उसका फंक्शन आना चाहिए कि अगर ये सेंटेंस में है तो ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मैं चाहता हूँ आज आप समझो। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, धीरे धीरे हम एडवांस ग्रामर की तरफ जा रहे हैं, इंडिविजुअली चैप्टर भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैं चाहता हूँ आपको आए मेरे साथ ग्रामर समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग आपकी इससे बहुत अच्छी डेवलप होगी, ठीक है गाइज। सो आओ शुरू करते हैं। तो मैंने ये सारे शब्द आपके सामने लिखे हैं, आप इनसे बहुत अच्छे से आपने इनको सुना भी होगा, देखा भी होगा पहले, बट आज हम इनका समझने वाले हैं फंक्शन, कि इनका फंक्शन क्या है इंग्लिश में। किसी भी सेंटेंस के अंदर जब आपके पास ये शब्द है तो ये उस सेंटेंस में कर क्या रहा है, आपको आज वो पता लगेगा। पहला मैंने जो लिखा है गाइस वो देख लो, मैंने लिखा है देर आर ऑल टुगेदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश में, मीन्स देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी की सारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला है नाउन, ठीक है। अब नाउन सेंटेंस में क्या होता है, वैसे नाउन की अपनी डेफिनेशन ये है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन और थिंग, राइट। आपने बुक्स में ही पढ़ा होगा, मैं कह रहा हूँ आप इस डेफिनेशन को छोड़ो, आप बस इतना मानो कि नाउन इज इक्वल टू नेम, खत्म बात, ठीक है। अब मेरे पास कोई नाम है, कोई नाउन है, अब वो क्या काम करता है किसी भी सेंटेंस में, आपको फंक्शन समझना है, वो क्या काम करता है, वो किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, या तो बनेगा सब्जेक्ट या बनेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अगर बन रहा है तो वो वर्ब के साथ साथ किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। कुल या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है कोई नाउन, या ऑब्जेक्ट और वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ साथ वो किसी प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ सेकंड शब्द है मेरा प्रोनाउन, ये कहता है कि इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, अगर ये नाउन को ही रिप्लेस करता है तो ऑब्वियसली इन दोनों के फंक्शन भी सेम होंगे, अगर नाउन का फंक्शन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा तो उसकी रिप्लेसमेंट भी वही काम करेगी, तो सेम। तो प्रोनाउन भी क्या काम करता है किसी सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो वो जैसे वर्ब का है ऐसे वो प्रेपोजिशन का भी हो सकता है। कूल, इतना समझ में आया। तो यानी अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को एक साथ लूँ तो मैं ले सकता हूँ, मुझे इतना पता लगा कि नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में अगर है तो इनके दो काम है, या तो ये उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का या मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। समझ आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस नाउन में और प्रोनाउन में इतना सा फर्क है, नाउन इज़ अ ओरिजिनल नेम, और जब आप सेंटेंस में दोबारा उस ओरिजिनल नेम की बात करते हो तो आप उसका जिक्र नहीं करते, उसकी बदली जो आप रिप्लेसमेंट में रखते हो वो आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है गाइस। नाउ थर्ड है एडजेक्टिव, डेफिनेशन पढ़ लो, ये कहता है इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन एंड गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नाउन प्रोनाउन, अगर आपने कोई नाम तो रख दिया लेकिन अगर उस नाम की अगर आप कोई क्वालिटी बता रहे हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, शेप बता रहे हो, साइज बता रहे हो, वो सारी चीज़ क्या है, वो है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और जितने ये सारे शब्द होते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने आप में बता रहे हैं ये क्या है, इन्हीं को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है गाइस। एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है, वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने किसी सेंटेंस में आपको बोला कि ये एडजेक्टिव है तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए कि अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नाउन भी है जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कूल, नेक्स्ट है मेरा वर्ब। अब वर्ब क्या है, ये कहता है इट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। सिंपल सा है यार, इतना ज़्यादा डेफिनेशन को लेकर कन्फ्यूज मत हो ना। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता तो वर्ब के अंदर दो सेक्शन मैंने बताया था, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। अगर नहीं पता तो मैंने एक लेक्चर डाला हुआ हैज़ हैव हैड का, उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो अगर मेरे सेंटेंस में वर्ब है तो वो क्या बताती है, या तो वो बताएगी कि सब्जेक्ट ने एक्शन क्या किया, या वो बताती है कि सब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ बींग, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, उसकी कंडीशंस बताती है, राइट। और ये सारा एक्शन भी हो सकता है, नॉन एक्शन भी हो सकता है, ये काम करती है वर्ब। अब मैं आपसे बोलूँ अगर वर्ब की प्लेसमेंट क्या है, तो वर्ब की प्लेसमेंट हमेशा होती है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है, इतना आपको पता होगा। नेक्स्ट है मेरा एडवर्ब। अब एडवर्ब की डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, ये कहता है इट मॉडिफाइज वर्ब एडजेक्टिव अनदर
एडवर्ब, इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम. देखो इसका काम कुछ कुछ आपको सेम सेम एडजेक्टिव जैसा लग रहा होगा, राइट. पूरी इंग्लिश में हमारे पास दो शब्द हैं, पहला एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब. दोनों पूरी इंग्लिश में सिर्फ एक जैसा काम करते हैं, मॉडिफाई करने का, ठीक है. बस दोनों के काम अलग अलग है. अलग अलग कैसे हैं? जो आपका एडजेक्टिव है वो मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, बट जब बात आती है एडवर्ब की तो ये मॉडिफाई किसको करता है? ये करेगा या तो ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा पहला, या ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, और थर्ड ये किसी एक और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा. यानी इसके पास तीन फंक्शन हो गए, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन. यानी आपका स्ट्रक्चर क्या बनता है, पहले आपके पास है नाउन, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपने लगाया एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपने लगाया एडवर्ब. समझ रहे हो? यानी एडवर्ब क्या करेगा, या तो वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है एडवर्ब की, वर्ब की, या वो दे रहा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव की, या वो दे रहा है किसी और एडवर्ब की. ये तीन इसके काम है पूरे सेंटेंस में, ठीक है गाइस. नेक्स्ट मैंने बोला प्रेपोजिशन, इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू नाउन, शोज द पोजिशन, ठीक है. अब इसका क्या काम है, ये किसी सेंटेंस में दो नाउन के बीच में रिलेशन बताता है, कैसे, उनकी लोकेशन वाइज, ठीक है, उनकी पोजिशन वाइज. इतना से याद रखना, ठीक है. जब प्रेपोजिशन है तो इसका दो ही काम होगा. और हमारे पास नेक्स्ट है कंजंक्शन. कंजंक्शन का क्या काम है, इट कनेक्ट्स टू क्लोजेस फ्रेजेस वर्ड्स, ठीक है. सारे कंजंक्शन ये काम नहीं करते. कंजंक्शन के अंदर काफ़ी सारे टाइप होते हैं, कुछ जो सिर्फ और सिर्फ क्लोज को कनेक्ट करते हैं, कुछ जो फ्रेजेस को, कुछ जो वर्ड्स को, ठीक है. और कुछ ऐसे हैं जो तीनों का काम करते हैं, तो वो सारा डिफरेंट है. बस अभी इतना समझ लो कि अगर मेरे पास सेंटेंस में कंजंक्शन है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि या तो ये किसी क्लोज को जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है, या फ्रेज को जोड़ रहा है, ठीक है. लास्ट है मेरा इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन का क्या मतलब है, इट शोज और डेमोन्स्ट्रेट द फीलिंग और इमोशन ऑफ द सब्जेक्ट. मतलब जो भी आपने सब्जेक्ट रखा उसका अगर एक्शन बताना है तो आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए. बट अगर आप उस सब्जेक्ट का इमोशन शो करना चाहते हो, फीलिंग शो करना चाहते हो, तो आपको चाहिए इंटरजेक्शन, ठीक है. जैसे आप बोलते हो ओ, अलास, आउच, ओप्स, ये जो सारी चीज़ें, ये क्या बताता है, सब्जेक्ट का इमोशंस और फीलिंग्स बताता है. तो एक बार आप ये लिख लो गाइज, उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ. ऑलराइट गाइज, सो अब तक आपने जितना समझा है वो सारा का सारा हम इस सेंटेंस में अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली देखेंगे. एक सेंटेंस में, कोई ज़्यादा सेंटेंस मैंने नहीं लिखी है, सिर्फ एक सेंटेंस में आपको सारी की सारी पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आएगी. आओ देखते हैं, ठीक है. सबसे पहला काम मैंने बोला कि नाउन क्या होता है जी, कोई भी नाम. अब मेरे पास नाम है, यानी मेरे को पता लगा ये नाउन है, ठीक है. अब नाउन का फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट. ये मेरे पास वर्ब है, वर्ब से पहले, तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, दोनों कंडीशन फुलफिल. नेक्स्ट मैंने बोला वर्ब, हमने वर्ब पढ़ी थी, वर्ब क्या होता है वो बताता है, तो स्टेट ऑफ बीइंग, कंडीशन या एक्शन. अब ये क्या बता रहा है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये बता रहा है स्टेट, कि वो हैंडसम है, ठीक है. तो ये मेरा बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, आपकी वर्ब आ गई, ठीक है गाइस. नेक्स्ट अब मैंने बोला हैंडसम, अब हैंडसम क्या है, जो राहुल है वो हैंडसम है, यानी मैंने आपको बताया था कि नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव, तो हैंडसम हो गया हमारा एडजेक्टिव. अब हैंडसम से पहले मैंने एक चीज़ देखी रखी हुई, वेरी. अब वेरी क्या कर रहा है, वेरी राहुल के साथ कुछ कर रहा है नहीं, ये तो कर रहा है इसके साथ, ये हैंडसम को क्या कर रहा है, इम्फोसाइज कर रहा है, बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है. और अगर कोई एडजेक्टिव को इम्फोसाइज करता है, मॉडिफाई करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब. तो आपका एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट, अब मेरे पास है एंड. एंड क्या है, एंड अपने आप में कंजंक्शन है, ठीक है. और कंजंक्शन का मैंने आपको काम बताया था, या तो वो दो फ्रेजेस को जोड़ता है, वर्ड को जोड़ता है, या क्लोजेस को जोड़ता है. अब देखो ये पूरा का पूरा अगर आप मेरे पास देखो, तो ये राहुल सब्जेक्ट, वर्ब उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर आगे एंड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, यानी ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये हमारा कंजंक्शन हो गया, ठीक है. नेक्स्ट अब मेरे पास है ही. अब ही क्या है, अब देखो गाइस, यहाँ जिस राहुल की बात हो रही थी ना, यहाँ मैंने उसका नाम रखा था राहुल, अब मैंने उसकी रिप्लेसमेंट में डाला है प्रोनाउन, यानी अभी भी राहुल की बात हो रही है, बट मैंने राहुल ना लिखकर मैंने लिखा ही. तो ये क्या है, ये नाउन की रिप्लेसमेंट है, नाउन की रिप्लेसमेंट में, तो ये क्या है, मेरा प्रोनाउन, ठीक है. अब ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की भी मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा. अब मेरे पास फिर ये वर्ब है, वर्ब से पहले है, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, कूल. अब ये वर्ब है, अगेन ये वर्ब क्या बता रही है, स्टेट ऑफ बींग, ठीक है, लिख लेना ये गाइस, स्टेट ऑफ बींग, ठीक है. अब ये क्या बता रहा है, द टॉपर राहुल, ही इज़ द टॉपर ऑफ माई स्कूल, ठीक है. अब देखो ये फिर मेरे पास क्या है, दोबारा एक नाम है, टॉपर अपने आप में एक नाम है, नाम है तो ये नाउन है, ठीक है. और वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है.
अब मेरे पास है ये प्रेपोजिशन, और मैंने आपको प्रेपोजिशन का काम बताया था, वो दो नाउन के बीच में रिलेशन बताती है, उनकी पोजीशन या लोकेशन बताती है, ठीक है। एक मेरे पास नाउन ये है, एक मेरे पास नाउन ये है, ठीक है। अब ये इन दोनों नाउनों के बीच में रिलेशन बता रही है, इनको कनेक्ट कर रही है। अब ये क्या बता रही है, ये बता रही है टॉपर कहाँ का, लोकेशन बता रही है स्कूल का, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गई होगी इस सेंटेंस से, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना, ठीक है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ये मैं क्यों कराना चाहता था आपको, क्योंकि मैं जितने भी अभी आगे ग्रामर के चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ना, तो यकीन मानिए उसमें काफ़ी सारी ये काफ़ी सारे एडवांस ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, टर्म्स होगी जिनका मैं यूज़ करूँगा, तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद होगी। और अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ लेते हो, दो से तीन बार, चार बार, जितनी बार आपको वीडियो देखिए आप इनको देखो, ठीक है। अपना 1 GB डेटा फालतू की चीज़ों में खर्च मत किया करो, काम की चीज़ों में भी क्या करो, ठीक है। तो जितनी बार आपको ये वीडियोस देखनी है देखो, बट इन सबको समझ लेना, और अगर आपको ये सारी चीज़ें सेट बैठ जाती हैं आपके दिमाग में, तो यकीन मानिए ग्रामर का सफ़र आपका और मेरा बहुत खूबसूरत होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू, बाय बाय।